बहुत बड़ी सौगात है, उपहार है। इस जीवन को सब प्रकार से बचा के रखना, उभार के रखना, जीवन में सदा ऊर्ध्व आरोहण पाना, ताड़ा सा तिर्यक ताड़ा सा चक्रासन, ये तो नित्य की दिनचर्या है। योगी जोगिंग को सहज आसन, सहज सूक्ष्म व्यायाम, व्यायाम सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आसन, प्राणायाम, योग के साथ यज्ञ भी। अब एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, आयुर्वेद में भी शताधिक मुख्य औषधियां और सहस्राधिक जड़ी बूटियों का प्रयोग कराते, और एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेकर के 1000 तक सूक्ष्म औषधीय तत्व, फाइटोकेमिकल्स, ऐसे रासायनिक घटक होते हैं नैसर्गिक, जो आपके रोगों को मिटाते हैं, आपको बल देते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी कहा, कुछ शक्तियां आपको जन्म से प्राप्त है, सभी को कुछ शक्तियां, विभूतियां, सिद्धियां आप औषधि से प्राप्त करते हैं, जन्म औषधि मंत्र से, मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वास हो करके। करो जन्म औषधि, बोलो जन्म औषधि मंत्र तपाह समाधि जाह सिद्धयाह, जीवन में सिद्धियां, सफलताएं, विभूतियां, अलौकिक ऐश्वर्य पाना है तो एक तो सबको जन्म से ही सिद्धि प्राप्त है, जन्म से ही सामान्य और कुछ अतीन्द्रिय सिद्धियां और शक्तियां, विभूतियां जन्म से ही प्राप्त होती हैं, यह हमने देखा है, अनुभव किया है। खाली पढ़ी बढ़ाई बातें नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो ऐसे कह, जो जितना कर पाए, आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए बोला था, करो बच्चे सूर्य नमस्कार, जैसे हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन मेरे दाई और बाई और कर रहे हैं, ऐसे आप भी कर एक लय के साथ, जिनसी सूर्य नमस्कार बन पाए, मध्यम गति से अच्छा होता है जिसमें एक मिनट में 5 बार हो जाता है, तीव्र गति में अपवाद रूप में किसी को करना है तो एक मिनट में 10 बार भी होता है, उससे हमारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं कह रहा था शताधिक योग की क्रियाएं, प्रक्रियाएं, योग के साधन, हम क्या करते हैं यहां पर, एक मेरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट ही नहीं है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। केवल दवा से तुम रोग दूर करना चाहो, ये चाहते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 mg की कोई दवाई तुम्हें कैसे पूरा अच्छा कर सकती है? दवाई आंशिक लाभ तो कर सकती है, पूर्ण लाभ कतई नहीं कर सकती। हमने आयुर्वेद में भी जो देखा है, नेचुरल मेडिसिन्स में, और उसमें पूरा प्रोटोकॉल है किसी भी दवाई का पूरा प्रभाव दिखाने के लिए, फिजिकल चेंज तो ला सकते हैं,
लेकिन मेंटल इमोशनल चेंज कहां से लाएंगे, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है। तो मैं खाली एलोपैथी की ही कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, केवल मेडिसिन से, केवल गोली से तुम पूरी तरह से किसी रोग से मुक्त ना हो सकोगे, क्योंकि गोली से जो मैटर से बनी हुई है, पदार्थ से बनी हुई, उसमें भौतिक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य तो है। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, वी आर डिवाइन सोल्स। हम दिव्य आत्माएं हैं, हम एक परम चेतना है, शुद्ध सत्व है, जो कर सके वैसे। प्रवाह से गरुड़ासन, वृक्षासन, इतना संतुलन होना चाहिए। तुम तो वृक्षासन में ही डामाडोल होने लगते हो,